हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं मीठा पुलाव, यानी कि मीठा जर्दा। बनाने में बहुत ही आसान है और सभी का बहुत फेवरेट होता है, और ये विशेषकर शीतलाष्टमी या बसंत पंचमी पर बनाया जाता है, और जब हमारा मन होता है तब भी हम मीठा बना करके खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए मीठा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। मीठा जर्दा यानी कि मीठा पुलाव बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे एक कटोरी बासमती राइस। सबसे पहले हम राइस को धो लेंगे। 2 से 3 बार हमें चावल को अच्छी तरह से धो लेना है। अब हम एक भगोना लेंगे जिसमें पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। लगभग 1 लीटर के आसपास मैंने पानी डाल दिया है और गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी में हम डाल देंगे 2 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का। अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिए। पानी गर्म हो चुका है, अब हम जो चावल हमने धोए थे इनको डाल देंगे। पानी बॉईल होने के बाद में हमें चावल को पूरा नहीं पकाना है, हमेशा की तरह 80 से 85% हमें चावल को पकाना है। देखिए, वो साइज में काफी बड़े हो चुके हैं और 80 से 85% के आसपास पक चुके हैं ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और चलनी लगा करके पानी को छान देंगे। मैंने यहाँ पे एक बर्तन में चलनी लगा के तैयार रखी हुई है। अब हम जो है चावल अपने इसमें धीरे धीरे इस तरह से डाल देंगे ताकि जो पानी है वो छन जाए और चावल हमारे छलनी में रह जाए। चावल का जो पानी है उसे हम सब्जी या दाल बनाने के काम में ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे चावल हैं इनको एक बड़ी थाली में फैला देंगे। थाली में हमने चावल को इस तरह से फैला दिया है ताकि जो हमारे चावल हैं ये ओवर कुक बिल्कुल भी ना हो। आइए फ्रेंड्स, मीठे पुलाव के लिए, मीठे जर्दे के लिए अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए हमने ली है एक कढ़ाई, साथ ही हमने ली है 1 कटोरी चीनी। वही कटोरी है जिससे हमने चावल नापे थे, इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। 1/2 कटोरी पानी डाल देंगे, चाशनी तैयार कर लेंगे। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और देखिए उबाल भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, लगभग 3 से 4 चम्मच जितना दूध डाल देंगे ताकि जो हमारी चाशनी है क्लीन हो जाए। दूध डालने के बाद हमारी जो चाशनी है बहुत अच्छी तरह से बॉईल होने लग गई है और देखिए साइड में इस तरह से बबल्स आ गए हैं व्हाइट कलर के। हम गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और जो ये साइड में व्हाइट कलर के बबल्स आ गए हैं इनको इस तरह से आहिस्ता से बाहर निकाल देंगे। चीनी में जो भी गंदगी होती है वो इस तरह से सारी बाहर आ जाती है। हमने चाशनी में सारी गंदगी को बाहर निकाल लिया है और देखिए हमारी जो चाशनी है वो एकदम अच्छे से साफ हो गई है। अब इसको हम इसी तरह से बॉईल होने देंगे और हमें टाइट चाशनी तैयार करनी है, यानी कि 2 तार की। चाशनी हमारी लगभग पकने को आ रही है। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से केसर के धागे चाशनी में ही डाल देंगे। आप चाहें तो पहले भिगो सकते हैं, मैंने भिगोए नहीं है। और डाल देंगे हम येलो फूड कलर। अगर येलो फूड कलर नहीं है तो आप छोटा 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी हमारी चाशनी में 1 तार आने लगा है, पर हमें तो 2 तार की चाशनी बनानी है, इसलिए हमें अभी थोड़ा सा चाशनी को और पकाना है। हमारी चाशनी 2 तार की तैयार हो चुकी है। देखिए, उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि हमें चाशनी कैसे पहचान सकते हैं 2 तार की तैयार हो चुकी है। जो चाशनी है हमारी काफी गाढ़ी हो चुकी है और बबल्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं और बहुत पास पास में बबल्स आ रहे हैं। ये देखिए कितनी गाढ़ी चाशनी हो चुकी है हमारी। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, स्पैचुला पे हमने थोड़ी चाशनी ली है, ये देखिए एकदम बहुत अच्छे से हमारी चाशनी बनके तैयार हुई है। जो तार है बहुत ही अच्छे से और बहुत टाइट होके आ रहा है। हमने गैस के फ्लेम को कम कर दिया है और जो चावल हमने थाली में ठंडे किए थे उनको हम कढ़ाई में डाल देंगे। चावल को चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने चावल को चाशनी में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और देखिए हमारे चावल को डालते ही चाशनी में कितना पानी हो गया। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने जो चावल है वो पूरा पकाया नहीं है, इसलिए अगर चाशनी में पानी भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इसमें मैंने डाला है 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच नारियल का पाउडर, ये भी मैं डाल रही हूँ। अगर आप नारियल का पाउडर पसंद नहीं करते हैं तो आप नारियल के पीसेस भी कट करके डाल सकते हैं। साथ ही मैंने जो ड्राई फ्रूट लिए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ली है किशमिश, थोड़े से कटे हुए बादाम, थोड़े से कटे हुए काजू और थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स भी अब हम डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद में हम अच्छी तरह से एक बार सभी चावलों को मिक्स कर देंगे। आप ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी।
जमा हुआ है, वैसे अगर आप पिघला करके लेंगे तो लगभग 2 चम्मच के आसपास है। इसको भी हम इसी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और एक बार जो हमारा चावल है इसको अच्छी तरह से बॉईल हो जाने देंगे ताकि जो हमारी चाशनी है पतली हो गई थी इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, जैसे चाशनी कच्ची ना रहे। चाशनी में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और चावल पर ढक्कन लगा देंगे और लगभग हमें 15 से 20 मिनट इसको इसी तरह से ढककर के रख देना है ताकि जो चाशनी में पानी हो गया था वो हमारे चावल एब्जॉर्ब कर लें और बहुत अच्छे से हमारा मीठा पुलाव यानी कि मीठा जर्दा तैयार हो जाए। 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। आइए लिड हटा के चेक कर लेते हैं कि हमारा मीठा पुलाव तैयार हुआ या नहीं। देखिए बहुत ही बढ़िया से तैयार हुआ है और बहुत बढ़िया हमारा चावल लग रहा है देखने में। देखिए आपको पास से दिखाती हूँ, एक एक चावल खिल करके आया है। इस तरह से आप बनाएं और इसको गर्मा गर्म सर्व करें। मीठा पुलाव हमने सर्व भी कर दिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम ऊपर से और डाल देते हैं। बहुत ही यम्मी लग रहा है और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। तो आप मीठा पुलाव बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।